स्थिर विद्युत की के लेक्चर में आज हमें तीन टॉपिक पढ़ेंगे। वो तीन टॉपिक कौन कौन से हैं? वो पहला टॉपिक है विद्युत दर्शी, और दूसरा जो है हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जो आगे के चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो रहेगा हमारा कूलाम का नियम, और जो तीसरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कूलाम नियम का सदिश निरूपण। तो ये तीनों टॉपिक पढ़ने से पहले हमने जो पीछे वाला जो वीडियो था उसके अंदर जो हमने लेक्चर देखा था उसको एक बार से फटाफट से हम क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी वस्तु को है वो कैसे आवेशित किया जाता है, कोई भी वस्तु है उसमें कैसे आवेश हम ला सकते हैं, उसकी जो प्रक्रियाएं होती है उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो वो जो हमारी प्रक्रिया थी वो तीन प्रकार की थी, एक थी घर्षण द्वारा आवेशन, एक थी हमारी प्रेरण द्वारा आवेशन, और एक था हमारा चालन द्वारा आवेशन। तो हमने उनके बारे में वो विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। तो घर्षण पूर्वक आवेशन में हमने क्या किया था, दो वस्तुओं को रगड़ा था, रगड़ने से क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान है वो एक वस्तु से दूसरी वस्तुओं में हो गया था, और इस प्रकार से वो वस्तुएं वो क्या हो गई, आवेशित हो गई। फिर हमने देखा था चालन द्वारा आवेशन, तो चालन द्वारा आवेशन में हम क्या करते थे, दो वस्तुओं को या तो संयोजक तार से या फिर हम क्या करते थे उनको दोनों को क्या करते थे संपर्क में लाते थे, जिससे क्या हो जाता था वो आवेशित हो जाती थी वहां पर, और आवेशन कब तक होता था, जब तक कि वहां पर विभव समान ना हो जाए। फिर हमने देखा था प्रेरण द्वारा आवेशन, तो प्रेरण द्वारा आवेशन में हमने क्या देखा था कि जब क्या करते हैं हम एक उदासीन और एक अनावेशित वस्तु है उनको हम बिना संपर्क में लाए कैसे आवेशित कर सकते हैं। तो जो उदासीन वस्तु है उसके पास में हम कोई भी एक आवेशित छड़ लेकर आते थे, तो आवेशित छड़ की वजह से वहां पर क्या होता था, मतलब वो वस्तु जो उदासीन वस्तु है वो क्या हो जाती थी, आवेशित हो जाती थी। और बाकी भी हमने कुछ वहां पर दो तीन क्वेश्चन देखे थे, तो वो हमारा आवेशन की प्रक्रिया का पूरा टॉपिक हो गया था। आज हमें वो पहला टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत दर्शी, या बोल सकते हैं स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। अब देखो स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी है उसका क्या कार्य होता है, तो स्वर्ण पत्र जो विद्युत दर्शी है उसकी सहायता से, ये ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि कोई भी वस्तु आवेशित है या नहीं है। मान लो हमारे को कोई भी एक वस्तु या कोई भी एक छड़ दी गई, ये छड़ दे दी और बोला कि इसको आपको बताना है कि क्या ये जो छड़ है वो आवेशित है या नहीं है। तो इसलिए हमें यहां पर क्या करना पड़ता है, एक ऐसे उपकरण की आवश्यकता पड़ती है, तो वो उपकरण हमारा कौन सा है, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। तो मैं यहां पर पहले उसके बारे में पहला उसका डायग्राम बना देता हूं। तो उसके लिए स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी के लिए हमारे को आवश्यकता होती है एक कांच के जार की। तो ये हमारा कांच का एक जार होगा, इस कांच के जार में हम यहां पर क्या लगाएंगे, एक बोल सकते हो कॉर्क लगाएंगे यहां पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर अभी आ रहा है जो आपको रियल इमेज दिखाई दे रही है। यहां पर क्या लगी होती है, यहां पर बीच में लगी होती है एक धातु की छड़, मतलब धातु की छड़, और इस धातु की छड़ के ऊपर लगी होती है एक डिस्क जिसको हम बोल सकते हैं धातु की डिस्क। ये होती है हमारी धातु की डिस्क। और यहां पर नीचे है वो लगी होती है दो स्वर्ण पत्तियां या सोने की पत्तियां, इस प्रकार से ये हो जाती है हमारी स्वर्ण पत्तियां। और जो ये है वो आपका क्या हो जाएगा, कांच का जार, ठीक है। तो अब यहां पर ये तो हो गया आपका स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी का डायग्राम। यहां पर ये एक और ये लिख देता हूं, ये हो जाएगा आपका क्या, ये है आपकी धात्विक छड़। तो अभी देखो हम यहां पर क्या करेंगे, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी है उसकी सहायता से हम ज्ञात करेंगे कि कोई भी वस्तु आवेशित है तो वो हमारे कैसे पता चलता है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इस धात्विक जो डिस्क है उसके पास में हम यहां पर लिख रहेंगे एक आवेशित वस्तु।
जैसे ही हम आवेशित वस्तु लेकर आएंगे तो इस आवेशित वस्तु का जो भी आवेश होगा वो क्या करेगा, इस धात्विक डिस्क के माध्यम से क्या करेगा, इस धात्विक छड़ पर आएगा और इस धात्विक छड़ पर आकर ये कहां पर आएगा, इस यहां पर जो सोने की पनिया या बोल सकते हैं स्वर्ण पत्तियां लगी हो वहां पर आएगा। तो जैसे यहां पर ये आएगा तो यहां पर क्या होगा, आपने पढ़ रखा होगा पहले कि जो सजातीय आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, जैसे यहां पर एक आवेश आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, इनमें जो पत्तियां हैं वो क्या हो जाएगी, दूर दूर हट जाएगी, मतलब उनमें क्या आ जाएगा, जो गैप पहले था वो अब क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हमें यहां पर पता चल जाएगा कि यहां पर ये जो भी वस्तु दे रखी है वो क्या हुआ है, हमारी आवेशित है यहां पर। तो हमने यहां पर देख लिया कि विद्युत दर्शी की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी वस्तु आवेशित है या नहीं। इसके अलावा भी और भी उपयोग है, ठीक है, उनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो ये बेसिक सा ये चीज है कि स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी हमारे काम की आती है, तो वो हमारे को यहाँ पर बता दी है कि कोई भी वस्तु आवेशित है या नहीं है यहाँ पर। और कैसे बनती है, वही हम एक का क्या लेंगे, कांच का झाड़ लेंगे, यहाँ पर एक यहाँ पर क्या लगा होगा, कॉर्क, यहाँ पर नोब बोलते हैं इसको, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, इसको हम नोब बोलेंगे, और ये आपकी क्या होगी, धात्विक छड़ हो जाएगी और ये स्वर्ण पत्तियां हो जाएगी और ये धात्विक डिस्क, तो हमने बताया दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर इसका एक तो उपयोग हो गया, अब क्या इसका और भी उपयोग होते हैं, इसके कुछ और उपयोग है वो मैं आपको अभी बताता हूं। तो पहला जो इसका उपयोग है वो तो हमने देख लिया, पहला जो इसका उपयोग है वो क्या है, आवेशित वस्तु का पता लगाने में। तो पहला जो स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी का जो पहला उपयोग है, वो पहला उपयोग क्या है, कोई भी वस्तु है वो आवेशित है या नहीं है इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। दूसरा जो इसका उपयोग है वो है दो आवेशित वस्तुओं की तुलना करने में, मतलब हमारे पास में कोई भी दो आवेशित वस्तुएं होगी तो उन दोनों आवेशित वस्तुओं की हम तुलना कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं, देखो अभी, तो ये हमारी विद्युत दर्शी बन गई। इस विद्युत दर्शी में हमारे पास में दो वस्तुओं को क्या करना है, तुलना करनी है। तो उसके लिए मान लेते हैं हमारे पास में दो छड़े हैं जिस पर आवेश है, जो दोनों आवेशित है, अब यहां पर हम दो वस्तुओं की तुलना कैसे कर सकते हैं वो देखो। हम यहां पर पहले क्या करेंगे, जो हमारी जो छड़ है वो पहली छड़ है, उस पहली छड़ को है हम क्या करेंगे, इस धात्विक डिस्क के पास में लेकर आएंगे, इसको संपर्क में यहां पर स्पर्श करवाएंगे। तो यहां पर जैसे ही क्या होगा, जो हमारी पहली छड़ है वो क्या करेगी, धात्विक डिस्क के संपर्क में आएगी। तो यहां से होगा क्या, जो इस छड़ का जो धनावेश है वो क्या करेगा, धात्विक डिस्क की सहायता से, धात्विक छड़ की सहायता से कहां पर आएगा, स्वर्ण पत्तियों में आएगा। और हमें पता है यहां पर दोनों स्वर्ण पत्तियों पर अगर धनावेश आएगा तो दोनों स्वर्ण पत्तियां हैं वो क्या होगी, प्रतिकर्षित होगी। और वो गैप मान लेते हैं, इन दोनों में प्रतिकर्षण हुआ है वो हमारा हुआ मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो पहले छड़ है उसको क्या कर देंगे, यहां से हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी दूसरी जो छड़ है उसको है वो हम क्या करेंगे, पास में लेकर आएंगे। तो जब दूसरी छड़ को हम पास में लेकर आएंगे तो यहां पर हमने देखा क्या कि यहां पर जैसे ही दूसरी छड़ पास में आई तो जो इस स्वर्ण पत्तियों का जो ये गैप है वो 1 सेंटीमीटर से बढ़ गया, ठीक है। तो वो मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर से बढ़ गया, हो गया हमारा 1.5 सेंटीमीटर। तो ये गैप बढ़ने से यहां पर हुआ क्या, इन दोनों में गैप बढ़ने से क्या पता चला कि यहां पर क्या पता चला कि जब पहली छड़ लेकर आए तो वहां पर 1 सेंटीमीटर का गैप आया और दूसरी छड़ लेकर आए तो वहां पर 1.5 सेंटीमीटर का गैप आया। इसका मतलब क्या हुआ, जो दूसरी छड़ है उस पर आवेश की जो मात्रा है वो पहली वाली वस्तु या पहली वाली जो छड़ है उससे क्या है, ज्यादा है। तो यहां पर हमने क्या कर ली, दो वस्तुएं हैं या दो छड़े हैं उनकी हमने क्या कर ली, उनके आवेशों की हमने यहां पर तुलना कर ली। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, विद्युत दर्शी की सहायता से दो जो आवेशित वस्तुएं हैं उनकी तुलना भी हमें कर सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो ये हो गया इसका दूसरा उपयोग। अब हम इसका है वो तीसरा उपयोग करते हैं यहां पर। तो जो तीसरा उपयोग है वो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर आवेशों की प्रकृति
आवेशों की प्रकृति मतलब हम क्या कर सकते हैं, विद्युत दर्शी की सहायता से दो वस्तुओं में या दो जो भी कोई हमारे को वस्तु दे रखी है उन दोनों वस्तुओं में हम आवेशों की प्रकृति है वो बता सकते हैं। मान लो एक छड़ दे रखी है और एक दूसरी छड़ दे रखी है और हमारे को बोला गया कि इनमें से इनकी जो प्रकृति है वो इन दोनों छड़ों की प्रकृति समान है, मतलब इन पर जो आवेश है वो सजातीय आवेश है या फिर इन दोनों पर जो आवेश है वो विजातीय आवेश है, तो उनका भी हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं। तो उनका हम पता कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहां पर हम लेते हैं पहले दो छड़े, तो ये दो छड़े हमने ले लिए यहां पर, इसको नाम दे देते हैं हम, कुछ भी नाम दे दो, P1, P2 और ये भी हम दो और छड़ देते हैं, ये P3 और ये P4। अभी ये अभी मैंने तो दर्शा दिया यहां पर, लेकिन अभी होगा क्या, आपको यहां पर जब आपको ये दिया जाएगा, दोनों छड़े दी जाएगी, तब आपको आवेश के बारे में पता नहीं होगा कि कौन सी छड़ पर कौन सा आवेश है। तो यहां पर हमें हमारे को ये दे दी और बोल दिया कि आप बताइए कि P1 और P2 जो छड़ है वो उन पर जो आवेश है वो सजातीय आवेश है या फिर विजातीय आवेश है, या बोल दिया हमारे को कि P3 और P4 पर सजातीय आवेश है या फिर विजातीय आवेश है या विजातीय आवेश है। तो इनका हमारे को क्या करना है, पता लगाना है। तो इनका हम पता कैसे लगाएंगे, सबसे पहले वही कार्य होगा, हम क्या करेंगे यहां पर जो पहले P1 छड़ है उस P1 छड़ को है वो हम क्या करेंगे पास में लेकर आएंगे। तो जैसे ही हम P1 छड़ को पास में लेकर आएंगे तो वही कंडीशन होगी, यहां पर जो पहले इस प्रकार से जो स्वर्ण पत्तियां थी, जैसे यहां पर क्या आएगा धनावेश आएगा, तो धनावेश आती है यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो छड़े हैं वो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। तो मान लेते हैं वही पीछे वाली कंडीशन में कि जैसे यहां पर इन छड़ों में जो यहां पर गैप आ गया वो आ गया एक सेंटीमीटर का। अब हम यहां पर क्या करेंगे, जो पिट्टू छड़ है उसको पास में लेकर आएंगे यहां पर। तो जैसे ही हमने यहां पर क्या किया, पिट्टू छड़ को पास में हम लेकर आए, तो पिट्टू छड़ को पास में लाते यहां पर हमने क्या देखेंगे कि यहां पर जो इस स्वर्ण पत्तियों में जो गैप है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा यहां पर, इस प्रकार से गैप बढ़ गया। तो यहां से क्या पता चलता है कि गैप क्यों बढ़ा यहां पर, क्योंकि यहां पर दोनों आवेश है वो क्या है, बराबर है यहां पर, ठीक है, दोनों आवेश है वो क्या है, समान है। तो यहां पर हम आवेशों की प्रकृति बता सकते हैं कि जो दोनों छड़े हैं दोनों छड़ों पर जो आवेश है वो हमारा क्या है, समान है, तो या बोल सकते हैं सजातीय आवेश है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, विद्युत दर्शी की सहायता से हमें वो दो वस्तुओं पर जो आवेशों की प्रकृति है उसके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं कि वो विजातीय है या फिर सजातीय है। ठीक है, एक उदाहरण और देख लेते हैं जिससे आपको आसानी से और भी समझ में आ जाएगा, पूरा आपका क्लियर हो जाएगा जो भी कुछ डाउट रहे होंगे। अब यहाँ पर हम देखो क्या करेंगे, ये तो पता चल गया कि P1 और P2 क्या है, सजातीय आवेश है इन दोनों पर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, P4 और P3 को जो छड़े उनको पास में लेकर आते हैं। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, P3 को पास में लेकर आएंगे, सॉरी पहले हम क्या करते हैं, P4 को पास में लेकर आते हैं। तो P4 जब छड़ को हम पास में लेकर आएंगे, तो P4 को छड़ को पास में लेकर आते हैं, उस पर धनावेश है, तो जो पत्तियां हैं वो क्या होगी, आपकी पत्तियां हैं वो क्या होगी, यहां से इनमें क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा, दूर दूर हो जाएगी पत्तियां यहां पर, और गैप मान लेते हैं वो हमारा हो गया वही 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने यहां पर क्या किया, P4 छड़ को यहां से हटा दिया और अब हम लेकर आएंगे P3 छड़। तो जैसे ही हम P3 छड़ लेकर आएंगे, तो यहां पर देखो एक बढ़िया घटना होगी, क्या घटना होगी कि जैसे ही हम P3 को लेकर आए, तो P3 को लेकर आते ही यहां पर क्या होगा, माइनस आएगा, और माइनस आते ही यहां पर जो इन पत्तियों में जो गैप था वो गैप है वो क्या हो जाएगा, अब कम हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर क्या था, धनावेश था, यहां पर धनावेश की वजह से, सजातीय आवेश की वजह से पहले यहां पर इनमें क्या था, प्रतिकर्षण था। जैसे ही हम P3 छड़ है वो पास में लेकर आए, तो P3 छड़ के पास में लाने से यहां पर हुआ क्या, जो यहां पर प्लस था उसको, प्लस को या धनावेश को है वो उदासीन करने वाला कौन आ गया, माइनस आ गया, और उसने क्या कर दिया, यहां पर जो धनावेश है उसको क्या कर दिया, उदासीन कर दिया। तो ये पत्तियां वापस क्या हो जाएगी, यहां पर इनमें गैप है वो क्या हो जाएगा, कम
हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या पता चला, इस उदाहरण से क्या पता चला कि पहले जब हम छड़ को लेकर आए तो वहां पर पत्तियों में क्या आया, गैप आया। जब दूसरी छड़ को लेकर आए तो वहां पर पत्तियों में गैप कम हो गया। इसका मतलब सीधी सी बात है, इन दोनों छड़ों पर जो आवेश होगा या आवेश की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, विजातीय आवेश होगी, या फिर आवेश रहेंगे वो किस प्रकार के रहेंगे, विपरीत प्रकृति का आवेश रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक और कारण यहाँ पर हो सकता है कि मान लो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर मान लेते हैं प्लस 10 गुलाम आवेश है और यहाँ पर मान लो माइनस 4 गुलाम आवेश है। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर प्लस 10 गुलाम आवेश है तो जैसे ही हम 10 गुलाम आवेश को यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ पर मान लो 10 गुलाम आवेश आ गया तो यहाँ पर पत्तियां हैं वो क्या हो जाएगी आपकी, इनमें क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा कुछ, तो ये 10 गुलाम आवेश की वजह से गैप आ गया। अब यहाँ पर जैसे ही हम क्या करेंगे, जो पीतरी छड़ है उसको लेकर आएंगे तो पीतरी छड़ को लेकर आते ही यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, पहले तो क्या होगा जो प्लस 10 गुलाम है वहां पर से प्लस 10 गुलाम को ये माइनस 4 गुलाम क्या कर देगा जो है उसको उदासीन कर देगा। तो पीछे हमारे जो आवेश है वो यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस 10 गुलाम है, प्लस 10 गुलाम में से हम जैसे ही पीतरी छड़ को लेकर आएंगे तो पीतरी जो छड़ है उसके पास माइनस 4 गुलाम आवेश है तो ये माइनस 4 गुलाम आवेश क्या कर देगा, इसके प्लस 4 गुलाम आवेश को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। तो यहाँ पर हमारे को हमारे पास में जो आवेश है वो कितना बचेगा, प्लस का 6 गुलाम। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर ये माइनस 4 गुलाम आवेश लेकर आएंगे तो एक पहले तो क्या होगा यहाँ पर ये पत्तियों की जो यहाँ पर गैप था इनके बीच में वो 1 सेंटीमीटर था, लेकिन जैसे ही हमें यहाँ पर पीतरी छड़ को लेकर आए तो माइनस 4 गुलाम आवेश आया तो यहाँ पर पहले तो क्या होगा एकदम से क्या होगा यहाँ पर जो 1 सेंटीमीटर गैप है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर क्या होगा, चूंकि यहाँ पर वापस से हमारा आवेश बच गया प्लस 6 गुलाम तो वापस से पत्तियों में गैप है वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, दो जो छड़े होती है या जो भी दो वस्तुएं होती है उन पर जो आवेशों की प्रकृति है उनके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। तो ये होते हैं आपके स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी के उपयोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर यह। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर के इसके क्या क्या उपयोग होते हैं। तो स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी की एक बार फटाफट से देख लेते हैं। पहला तो आपका हो गया कि दो जो भी आवेशित वस्तु का हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं यहाँ पर कि वस्तु आवेशित है या फिर नहीं है। दूसरा जो इसका उपयोग है, दूसरा उपयोग इसका क्या है कि दो वस्तुओं की हम क्या कर सकते हैं, दो वस्तुओं पर जो आवेश है उसकी हम तुलना कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कि किस पर आवेश ज्यादा है और किस पर आवेश कम है यहाँ पर। और फिर जो तीसरा है वो हमारा उपयोग है वो है हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आवेशों की प्रकृति है वो दो वस्तुओं या दो छड़ों पर हम बता सकते हैं कि इनमें सजातीय आवेश होंगे या फिर विजातीय आवेश होंगे। तो ये हो गया हमारा स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। ठीक है, तो चलिए अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, तो कूलाम का नियम क्या है, तो देखो सबसे पहले तो देखो यहां पर जैसे शुरुआत में मैंने जो बताया था कि दो वस्तुओं के पास में अगर द्रव्यमान है तो उन दोनों वस्तुओं में क्या होता है, आकर्षण लगता है, वहां पर बल लगता है। या आपको भी पता होगा पृथ्वी है, पृथ्वी के पास में द्रव्यमान है इस वजह से, और आपके पास में द्रव्यमान है इस वजह से पृथ्वी आप पर क्या करती है, एक बल लगाती है, आकर्षण बल लगाती है। ठीक है, उसी प्रकार से क्या होता है जो दो आवेश होते हैं, दो आवेश चाहे वो सजातीय हो या फिर चाहे वो विजातीय आवेश हो, वो क्या लगाएंगे वहां पर, आकर्षण और प्रतिकर्षण है वो बल लगाएंगे। तो वो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है वो लगाएंगे तो उनका मान कितना होगा, वो किस किस बात पर निर्भर करेंगे, मतलब उनमें दोनों के आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है वो बल है वो किस किस मान पर डिपेंड करेगा और उसका मान है वो कब कब चेंज हो सकता है, तो इसी के बारे में यहाँ पर कूलाम का नियम दिया गया। तो कूलाम का नियम देखने से पहले हम यहाँ पर कूलाम बल या स्थिर विद्युत बल है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्थिर आवेशों के मध्य, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, स्थिर आवेश, हम अभी स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हैं तो हमारा आवेश है वो क्या रहेगा, स्थिर ही रहेगा। तो स्थिर आवेशों के मध्य जो भी आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है, स्थिर आवेशों के मध्य जो भी आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है
उसी को हम क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत बल कहते हैं, या फिर इसको बोलते हैं कूलाम बल। तो कूलाम बल या स्थिर विद्युत बल की परिभाषा क्या होगी, दो आवेशित वस्तुओं के मध्य जो भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है वो उसी को हम क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत बल या कूलाम बल कहते हैं। वो तो एक बल की परिभाषा होगी, उसका मान है वो हम कैसे निकालेंगे, उस बल का मान है वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए यहां पर सबसे पहले कूलाम का नियम है दिया गया है यहां पर। तो कूलाम का नियम क्या है उसकी मैं परिभाषा लिखता हूं। देखो मैंने यहां पर परिभाषा लिख दी कूलाम के नियम की। कूलाम के नियम की परिभाषा क्या है कि दो आवेश Q1 वे Q2, कोई भी हमारे पास में दो आवेश है Q1 वे Q2, उनको किसी एक माध्यम में, कोई भी एक माध्यम है उसमें हमने r दूरी पर रख दिया, तो इन दोनों आवेशों के मध्य जो दोनों आवेश रख दिए है तो r दूरी पर, तो उन दोनों आवेशों के मध्य जो भी आकर्षण या प्रतिकर्षण लगेगा ना यहाँ पर, क्योंकि दोनों आवेश है तो या तो आकर्षण हो सकता है या क्या हो सकता है, प्रतिकर्षण। भाई एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो आकर्षण होगा, दोनों अगर धनावेशित होंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा यहाँ पर। तो उनके मध्य जो भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा वो उस बल का जो मान है वो किस पर निर्भर करेगा, दोनों आवेशों के परिमाण के, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के, तो क्या होता है समानुपाती होता है, और उनके मध्य की दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो कैसे F है, जो भी यहाँ पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है जो F होगा वो समानुपाती होगा, किसके समानुपाती होगा, पहले देखो यहाँ पर ये एक आवेश Q1 मान लेते हैं, ये एक आवेश Q2 हो गया, और इन दोनों के मध्य जो दूरी है वो कितनी है मान ली हमने, R मान ली यहाँ पर। तो जो इनके मध्य जो भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा उसका बल का जो मान है वो किस बात पर निर्भर करेगा, यहाँ पर जो बल है वो किस बात पर निर्भर करेगा, दोनों आवेशों के जो परिमाण है, परिमाण के गुणनफल के, इन दोनों आवेशों का परिमाण होगा उसके गुणनफल के, तो क्या होगा बल समानुपाती होगा, मतलब Q1 Q2 के क्या होगा, समानुपाती होगा। और इन के जो दोनों आवेश है, इन दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है उसका वर्ग का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो जो F है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा इन दोनों आवेशों के मध्य के दूरी के वर्ग के। तो यहाँ पर ये आर स्क्वायर हो गया आपका जो दूरी होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि जो F है, जो यहाँ पर स्थिर विद्युत बल है या कूलाम बल है वो समानुपाती होगा दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के, और जो आपका बल होगा जो कूलाम बल होगा इन दोनों के मध्य जो भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल इनकी मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगर इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो F है वो क्या जाएगा आपका, F समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन क्या जाएगा, R स्क्वायर। तो F है वो समानुपाती हो गया आपका Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो ये जो है ये हमने देखो इससे पहले भी जैसे हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ा है जो गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि कोई भी दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है वो अगर r दूरी पर स्थित है तो उनके मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल, क्योंकि जिस गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसके अंदर केवल और केवल आकर्षण बल ही होता है, लेकिन जो स्थिर विद्युत बल है उसमें आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण बल भी होता है। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल में केवल आकर्षण बल होता है, तो इनके मध्य जो आकर्षण बल लगता है उस बल का मान है वो किसके समानुपाती होता है, इनके दोनों जो द्रव्यमान है उनके गुणनफल के, तो समानुपाती होता है, और जो उनके बीच की दूरी है उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर जब हम इसको लिखते थे तो यहाँ पर क्या आता था, एक गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक जिसको हम कैपिटल जी से प्रदर्शित कर देते हैं, और फिर यहाँ पर आ जाता था m1 m2 अपॉन क्या आ जाता है आपका r स्क्वायर। तो यह होता था आपका गुरुत्वाकर्षण बल का जो सार्वत्रिक नियम है वो यहाँ पर आ गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देख लो हमने किया है, दो आवेश है वो r दूरी पर रखे हुए हैं, तो यहाँ पर जो इनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा उस बल वो बल है वो क्या होगा, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के, तो क्या होगा समानुपाती होगा, और उन दोनों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर जी है तो यहाँ पर भी क्या होगा, जब समानुपाती चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा जिसको हम प्रदर्शित करेंगे के से, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हो गया आपका स्थिर विद्युत बल या कूलाम बल। तो ये जो K है वो K क्या है, देखो एक बार फिर से लिखता हूं, F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जहां K एक
नियतांक है, जहां की क्या है एक नियतांक है। कैसे नियतांक है कि कोई भी दो आवेश है वो एक माध्यम में रखे हुए और फिर उनको अलग माध्यम में रखेंगे तब वहां पर क्या होगा, उनके मध्य जो पल है ना उसमें परिवर्तन आएगा। ठीक है, कैसे समझे नहीं, देखो मैं बताता हूं आपको। एक तो आप क्या करो, हाथ के अंदर हाथ है उसको क्या करो, आप हवा के अंदर चलो यहां पर इस प्रकार से। तो आप जैसे ही क्या कर रहे हो, हाथ को हवा के यहाँ पर अंदर चला रहे हो तो आपको कम है वो, ऐसे बल लगा रहे हो आप, कुछ भी बल लगा रहे हो। अब इसी आप क्या करोगे, जाओगे आप पानी के अंदर और पानी के अंदर इस हाथ को आप ऐसे चलाओ तो आपको क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पर बल है उसमें कुछ परिवर्तन आ रहा है ना। यहाँ पर हवा के अंदर आप हाथ है वो आसानी से ऐसे कर सकते हो, लेकिन पानी के अंदर आप करोगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। तो हवा और पानी ये दोनों क्या है, एक अलग अलग माध्यम है ना, तो यहाँ पर बल का मान है वो माध्यम के अनुसार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना यहाँ पर। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो दो आवेश है उनको अगर हम निर्वात में या हवा में रखेंगे या किसी माध्यम में रखेंगे और फिर उसको हम कोई भी जो हवा होगी उनके मध्य रखेंगे तो वहां पर बल का जो उन दोनों आवेशों के मध्य जो बल है उसके मान में भी क्या आएगा, परिवर्तन आएगा यहाँ पर। तो जो के है वो क्या है, एक नियतांक है या समानुपाती नियतांक है बोल सकते हैं यहाँ पर। अब देखो ये तो हमें पता चल गया कि कूलम्ब बल है, उसका फॉर्मूला ये हमारे पास में आ गया। अब यहाँ पर जो के है वो है एक नियतांक है। अब के है वो किस किस बात पर निर्भर करता है तो उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखो के का जो मान है, के का मान दो बातों पर निर्भर करता है। पहली जो बात है वो तो है के का जो मान है वो मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है, और जो दूसरा है वो है माध्यम की प्रकृति पर। तो के है, के का मान है वो दो बातों पर निर्भर करता है। पहला तो हो गया मात्रक पद्धति पर, मात्रक पद्धति पर हम कौन सी मात्रक पद्धति काम में ले रहे हैं उस पर है वो के का मान है वो क्या करता है, निर्भर करता है। दूसरा जो है वो है हमारा माध्यम की प्रकृति पर, मतलब माध्यम है वो क्या होगा, अगर परिवर्तित होगा तो के का मान भी है वो क्या होगा, परिवर्तित होगा माध्यम की प्रकृति पर। तो यहां पर देखो सबसे पहले कि के है, के क्या नियतांक है, तो उस नियतांक का मान कितना है, तो के बराबर होता है 1/4π और ये होता है आपका एप्सिलॉन एम। ठीक है, के बराबर होता है 1/4π एप्सिलॉन एम। अब एम यहां पर ये जो इस प्रकार से लिखा है ना, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन एम और इसको हम बोल सकते हैं यहां पर जो एप्सिलॉन एम है वो है माध्यम की विद्युतशीलता। ये कोई भी माध्यम है उसकी विद्युतशीलता होती है। यहां पर एप्सिलॉन नॉट भी आता है, एप्सिलॉन नॉट ये होता है आपका, एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। अभी आपके क्वेश्चन आ रहे होंगे मन के अंदर कि क्या है ये, तो इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। तो अभी यहाँ पर हमने एप्सिलॉन एम क्यों लिया, क्योंकि देखो आपने जो हमने अभी पहले जो परिभाषा पढ़ी थी कूलम्ब में, जो नियम की परिभाषा पढ़ी थी, वो उस कूलम्ब नियम में हमने क्या लिखा था कि दो आवेश Q1 और Q2 उनको किसी एक माध्यम में रखा है, किसी माध्यम बोल देना वहां पर। इसलिए यहाँ पर जो के है उसमें हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, एप्सिलॉन एम ले रहे हैं। आप पीछे वो जाके देख सकते हो कूलम्ब के नियम की हमने परिभाषा क्या लिखी है। तो वहां पर हम दोनों आवेशों को है वो किसी एक माध्यम में रखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, एप्सिलॉन एम वो लिया है यहाँ पर। तो ये एप्सिलॉन एम हो गया। अगर हम यहाँ निर्वात की बात करेंगे, मतलब दोनों आवेशों को अगर निर्वात में रख देंगे तो निर्वात में जब रखेंगे तो वहां पर हमारा क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नोड आ जाएगा। तो यहां पर अगर निर्वात में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, के बराबर 1/4π एप्सिलॉन नोड। और जो निर्वात के लिए जो विद्युतशीलता होती है वो होती है 8.85 × 10⁻¹². 10⁻¹² ये है वो एप्सिलॉन नोड का मान होता है। अब यहां पर देखो, अभी तो हमारे को क्या करना था, के का मान है
वो देखना था कि भाई किस प्रकार से के का जो मात्रक है वो क्या आता है, के का मात्रक हमारे को यहाँ पर चेक करना था। यहाँ पर तो के का मात्रक है वो एसआई पद्धति में क्या होता है और उसका मान कितना होता है। तो जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, के का मान निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे, पाई का मान आपको पता है 3.14। तो जब यहाँ पर हम क्या करेंगे, के का यहाँ पर पाई का और एप्सिलॉन नॉट का मान रख देंगे, तो जो के का मान आएगा वो आएगा हमारा 9 × 10⁻¹। अभी हमारे पास में मात्रक नहीं है, मैंने अभी आपको बताया कि के का मान कितना होता है, के का फॉर्मूला ये होगा, अगर कोई भी वस्तु है वो माध्यम में रखी हुई है, और के का फॉर्मूला ये होगा यदि कोई भी जो दोनों आवेशित वस्तु है वो किस में रखी हुई, निर्वात में रखी हुई है। यहाँ पर अब यहाँ पर हमने देख लिया कि एप्सिलॉन नॉट का मान ये है, पाई का मान रख देंगे तो के का मान आ जाएगा 9 × 10⁻¹। अब यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर करना है कि k का मान मात्रक पद्धति पर कैसे निर्भर करता है, मतलब मात्रक पद्धति चेंज होगी तो k का मान है वो किस प्रकार से चेंज होगा। तो यहाँ पर देखो पहले देखते हैं k का SI मात्रक। तो k का SI मात्रक देखना है तो हमारे पास में गुलाम नियम का फॉर्मूला है, गुलाम बल है क्या है, f बराबर क्या होता है, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। थोड़ा सा इधर लिख देता हूं उसको, एफ बराबर है हमारे पास में के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। यहां से अगर आप के देखोगे तो के बराबर क्या आएगा आपका, एफ आर स्क्वायर अपॉन क्यू वन इंटू क्यू टू। और हमने देखा था कि जो बल है, बल है, बल का मात्रक, पीछे वाले जो कक्षाएं थी 11th कक्षाएं थी उसमें हमने देखा था कि बल का जो मात्रक होता है SI वो क्या होता है, न्यूटन है, होता है। तो ये आ जाएगा न्यूटन इनटू आर, आर क्या है आपकी दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, तो दूरी का जो मात्रक होता है SI मात्रक होता है वो होता है मीटर, और यहां पर आर स्क्वायर है तो यहां पर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन, यहां पर नीचे क्या q1 और q2, और q1 और q2 है क्या, q1 और q2 है वो आवेश है, और हमने आवेश के मात्रक पढ़े हैं, SI मात्रक आवेश का क्या होता है, आवेश का SI मात्रक होता है क्या होता है, कूलम होता है। तो यहां पर क्या है, एक ही आवेश थोड़ी, यहां पर दो आवेश है, तो यहां पर क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर। तो k का जो SI मात्रक है, k का SI मात्रक हमारा क्या आ गया, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन क्या आ गया, कूलम स्क्वायर। और अगर यहां पर हम वो मान रखेंगे k का, तो यहां पर k बराबर हमें अभी मान निकाला था कितना आया था, 9 × 10⁻¹। अब हम यहां पर मात्रक लगा देंगे कितना होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो ये तो k का SI मात्रक हो गया। अब k का CGS मात्रक देखते हैं, k का CGS मात्रक, मात्रक पत्ती होनी ना, CGS मात्रक पत्ति होती है, ये जो SI मात्रक पत्ती है वो कौन सी होगी, MKS होगी, वैसे CGS होती है, FPS होती है। तो यहां पर हमें यहां पर पढ़ रहे हैं कि k का मान मात्रक पत्ती पर कैसे निर्भर करता है, k का मान जो SI पत्ती में निकाला तब कितना आया हमारा, तो अगर हम CGS पत्ती में निकालेंगे तो कितना आएगा, तो k बराबर 9 × 10⁻¹। अब हमारे को क्या करना है, ये न्यूटन मीटर कूलम इनको किस में बदलना है, CGS पत्ती में बदलना है, तभी तो ये आएगा ना आपका k का मान CGS पत्ती में। तो यहां पर क्या हुआ, न्यूटन बल, बल का CGS पत्ती में मात्रक क्या होगा, 11th क्लास में पढ़ा होगा, याद आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बता देता हूं, जो एक न्यूटन है वो होता है 10⁵ डाइन के बराबर, मतलब जो बल का CGS मात्रक होता है, CGS मात्रक वो होता है डाइन या DYNE, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो एक न्यूटन है वो भाई जैसे हम SI पद्धति में और SI मात्रक में और CGS मात्रक में संबंध निकाल देते हैं ना, तो उसी प्रकार से ये आपका SI मात्रक है और ये CGS मात्रक है, तो उनमें क्या संबंध होगा, एक न्यूटन है वो किसके बराबर होगा, 10⁵ डाइन के बराबर होगा। और यहां पर देखो मीटर, तो मीटर का CGS मात्रक क्या होता है, मीटर का CGS मात्रक होता है आपका सेंटीमीटर, तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, एक मीटर में सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। और कूलम, कूलम का जो CGS मात्रक है वो क्या होता है, पढ़ा था हमने आवेश के जब मात्रक पढ़े थे तो पढ़े थे क्या होता है, कूलम का जो SI मात्रक CGS मात्रक होता है वो होता है आपका स्टेट कूलम। और हमने देखा था, संबंध भी देखा था वहां पर कि कूलम और स्टेट कूलम में क्या संबंध होता है, तो जो एक कूलम होता है वो आप किसके बराबर होता है, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम इसके बराबर होता है।
तो अब हमारे क्या करना है, के का सीजिस मात्रक चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 इंटू 10 की पावर 9, ये तो इसका मान ये न्यूटन को इसमें डालना डाइन में, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इस न्यूटन की जगह यहाँ पर क्या जाएगा आपका 10 की पावर 5 डाइन आ जाएगा। और इंटू यहाँ पर क्या है मीटर स्क्वायर है, और जो आपको आपको इसमें सीजिस पद्धति में लिखना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 इंटू सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा आपका कूलम स्क्वायर है, तो यहाँ पर नीचे भी क्या हो जाएगा आपका लिख सकता हूं मैं यहाँ पर 3 इंटू 10 की पावर 9 और स्टेट कूलम का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखो आप 3 इंटू 3 कितने हो गए 9, तो ये 9 से 9 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, यहां पर ऊपर देखो 10 की पावर कितनी हो गई 9 तो है यहां पर, ये देखो कितनी, इसको क्या लिख सकते हैं 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ये कितना हो गया इसमें 10 की पावर 2, और आधार समान होते हैं तो घात जुड़ जाती है, तो 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 कितनी होगी 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 और 10 की पावर 5 तो कितनी होगी 10 की पावर 9, तो यहाँ पर कितना आ गया, ऊपर कितना आ गया 10 की पावर 9, 3 ये तो कैंसिल हो गया, 9 तो कैंसिल हो गया, तो ऊपर आ गया 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9 और नीचे कितना है 10 की पावर 9 और 10 की पावर 9, तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गए, तो कहने वालों के का मान कितना आ गया 1 आ गया, मतलब सीजिस पत्ती में जो के का मान होता है वो कितना होता है आपका 1 होता है। तो यहाँ पर जो के का मान है वो मात्रक पत्ती पर निर्भर करता है कि नहीं करता है, देखो के का मान है वो मात्रक पत्ती सीज है जो आगे नहीं हुआ, के का मान है वो क्या हुआ एसआई पत्ती में, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 आया, और सीजिस पत्ती में के का मान क्या आ गया 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर स्टेट कूलम का स्क्वायर, तो ये आया कि नहीं आया यहाँ पर के का मान है वो क्या हो गया चेंज हो गया। ओके, अब हमने ये तो देख लिया कि के का मान मात्रक पत्ती पर कैसे निर्भर करता है, अभी हमारे को देखना है कि के का मान है वो माध्यम की प्रकृति बदलने से वो कैसे बदल सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे के का मान है वो माध्यम की प्रकृति है वो बदलने से किस प्रकार से बदलता है। यहां पर तो जब हम किसी निर्वात में रखते हैं, निर्वात में तो निर्वात में जो के आता है वो के किसके बराबर होता है, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्साइलन नोड। और माध्यम की बात करें तो माध्यम में हम किस प्रकार से लिखेंगे, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्साइलन m, जहां पर जो एप्साइलन नोड है वो एप्सिलॉन नोड क्या है आपका, वो है आपकी निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, और जो एप्सिलॉन एम है वो क्या है आपका माध्यम की विद्युतशीलता। अब ये विद्युतशीलता क्या होती है, तो अभी मैंने पीछे भी आपको उदाहरण दिया था कि जैसे ही क्या होता है माध्यम है वो क्या होता है चेंज होता है, तो माध्यम चेंज होते ही वहां पर क्या हो जाता है बल के मान में भी क्या आ जाता है अंतर आ जाता है वहां पर। तो ये विद्युतशीलता क्या होती है, विद्युतशीलता होती है प्रत्येक जो माध्यम है, प्रत्येक माध्यम में वो अपने जो आवेश रखे हुए हैं, जिस माध्यम में आवेश रखे हुए हैं उन दोनों के मध्य कितना बल लगेगा उसकी वो परमिशन देता है कि इतना बल लगना चाहिए या फिर इतना बल लगना चाहिए, वो माध्यम डिसाइड करता है कि इन दोनों के मध्य है वो कितना बल लगेगा यहाँ पर। तो ये विद्युतशीलता हुई बात होगी यहाँ पर, कि विद्युतशीलता क्या होती है, विद्युतशीलता है कोई भी माध्यम है वो बल को परमिशन देता है कि तुम्हारे को कितना लगना है यहाँ पर। क्योंकि गुलाम ने जब देखा कि एक निर्वात के अंदर जब दोनों के मध्य बल देखा गया, और जब हवा या फिर पानी के अंदर जब कोई भी अन्य माध्यम उसके अंदर है वो बल देखा गया दोनों आवेशों के मध्य, तो वहां पर दोनों के मध्य जो बल था उनमें क्या आया था परिवर्तन आया था। इसका मतलब सीधी सी बात है माध्यम है वो क्या करता है एक स्पेशल एक ऐसी चीज रखता है जिससे वो क्या कर सकता है बल को कंट्रोल कर सकता है, और वो जो स्पेशल जो चीज है वो हमारी कौन सी है विद्युतशीलता है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल से कि माध्यम की प्रकृति है वो किस प्रकार से, मतलब माध्यम की प्रकृति पर के का मान है वो किस प्रकार से निर्भर करता है।
माध्यम की प्रकृति पर के का मान निर्भर करने से पहले हम एक छोटी सी और चीज पढ़ लेते हैं। देखो वो क्या है, वो है सापेक्षिक विद्युतशीलता। सापेक्षिक विद्युतशीलता, तो सापेक्षिक विद्युतशीलता क्या होता है, किसी भी माध्यम की जो विद्युतशीलता है वो निर्वात के सापेक्ष ज्ञात करना, वो क्या कहलाता है, सापेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। विद्युतशीलता हमने समझ लिया कि विद्युतशीलता क्या होती है, विद्युतशीलता क्या होगी कि कोई भी माध्यम है वो विद्युत के प्रति जो उनके मध्य बल लगता है उनके प्रति कितना वो मतलब वहां पर परमिशन देता है उनको मतलब बल कितना लगना चाहिए कितना नहीं लगना चाहिए। तो विद्युतशीलता तो हमने समझ लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर माध्यम की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, तो यहाँ पर हमें पता निर्वात की विद्युतशीलता है, तो निर्वात की विद्युतशीलता हमने यहाँ पर अभी देख ली थी। तो कोई भी माध्यम है उसकी अगर विद्युतशीलता हमारे को चेक करनी है तो हमारे को क्या करना पड़ता है, कोई एक आधार मानना पड़ता है। कैसे, देखो जैसे आपको अगर आपकी हाइट मापनी है तो आपकी हाइट मापने के लिए आप क्या करते हो, जो भी आपके पास में फीता होगा तो आप वहां पर क्या करोगे, उस फीते को क्या करोगे, आप अपने पैरों में उनके पास में लेकर जाओगे और वहां से क्या करोगे, आप अपनी हाइट मापोगे। तो आपने आधार क्या माना अपनी हाइट मापने के लिए, जो जमीन है जहां पर आपके पैर टिके वही आपका आधार है ना, वहीं से आपने मापना शुरू किया ना, तो वही आपका क्या हो गया, नीचे वाला वो आधार हो गया वहां पर, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होता है, निर्वात है माध्यम है, उस निर्वात माध्यम की जो भी विद्युतशीलता होगी उसके सापेक्ष हम जो भी विद्युतशीलताएं मापेंगे वही हमारी क्या कहलाती है, आपेक्षिक या सापेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। तो यहाँ पर मैं परिभाषा लिखता हूँ, सापेक्षिक या आपेक्षिक, इसको आपेक्षिक भी बोल सकते हैं। तो इसकी क्या परिभाषा होगी, किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात के सापेक्ष ज्ञात करने को सापेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। और ध्यान रखना जो सापेक्षिक विद्युतशीलता है इसको हम प्रदर्शित करते हैं एप्सिलॉन आर से, ठीक है। माध्यम की विद्युतशीलता तो किससे प्रदर्शित करते हैं, एप्सिलॉन एम से। निर्वात की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नोट से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी भी माध्यम की जो विद्युतशीलता है वो निर्वात की सापेक्ष ज्ञात करना ही क्या कहलाता है, सापेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। अब यहाँ पर जो एप्सिलॉन आर है वो क्या आ जाएगा आपका, किसी भी माध्यम की, तो मतलब एप्सिलॉन आर है वो आ जाएगा आपका एप्सिलॉन एम और अपॉन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नोट। जिसके सापेक्ष ज्ञात करना होता है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया कि एप्सिलॉन नोट के हमारे को क्या करना है, सापेक्ष ज्ञात करना है यहाँ पर। तो ये क्या हो गया आपका एप्सिलॉन आर है, या जो भी सापेक्षिक विद्युतशीलता है वो क्या होगी, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये आपकी सापेक्षिक विद्युतशीलता का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर अगर बात करें कुछ पदार्थों की, एक बात और ध्यान रखना कि जो सापेक्षिक विद्युतशीलता होता है इसको हम पैरा विद्युतांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरा विद्युतांक भी कहते हैं, सापेक्षिक विद्युतशीलता या अपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर पैरा विद्युतांक भी कहते हैं। तो किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात के सापेक्ष है वो पैरा विद्युतांक या सापेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। अब कुछ वस्तुओं के हमें यहाँ पर देखते हैं कि सापेक्षिक विद्युतशीलता कितनी होती है। तो अगर सबसे पहले बात करें निर्वात की, तो निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है, सापेक्षिक विद्युतशीलता होती है या फिर निर्वात का पैरा विद्युतांक, निर्वात का पैरा विद्युतांक, निर्वात का पैरा विद्युतांक एप्सिलॉन आर का मान होता है एक। कितना होता है, एक होता है, ठीक है। कैसे हुआ, अगर ये एक होगा तो यहाँ पर एप्सिलॉन नोट है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नोट ये हो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एम, मतलब एप्सिलॉन एम ही आपका नोट मतलब माध्यम है वो क्या हो जाएगा, निर्वात हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, निर्वात की जो पैरा विद्युतांक है वो कितना होता है आपका, एक होता है। जल का पैरा की अगर बात करें तो जल का पैरा का मान होता है आपका 80, या कुछ कुछ बुकों में यहाँ पर आपको 81 भी मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका जल का पैरा विद्युतांक। जो हवा है, हवा का भी पैरा विद्युतांक होता है, हवा का पैरा विद्युतांक होता है आपका एप्सिलॉन आर बराबर होगा 1.00059, ये होता है आपका हवा का पैरा
विद्युत तनाव होता है। तो ये हमने समझ लिया कि सापेक्ष विद्युतशीलता क्या होती है, कोई भी माध्यम है, कोई भी माध्यम हो चाहे उसकी जो विद्युतशीलता है उसको निर्वात के सापेक्ष ज्ञात करना, ये हमारा क्या कहलाता है, सापेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। ये हमने एक बीच में एक टॉपिक पढ़ा जो आपके आगे अभी काम आएगा। तो अभी हम पढ़ रहे थे माध्यम की प्रकृति है उस पर के का मान कैसे निर्भर करता है। ये फॉर्मूला याद रखना आपको, इस साइड में लिख देता हूं मैं, एप्सिलॉन आर है वो बराबर होता है आपका एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो हम क्या करते हैं यहां पर, के का मान माध्यम की प्रकृति पर कैसे निर्भर करता है उसको पढ़ते हैं यहां पर। तो अगर दो वस्तुएं किसी माध्यम में रखी हुई, माध्यम में दो वस्तुएं, दो आवेश Q1 वे Q2 यदि माध्यम में हो तो उनके मध्य जो बल लगता है उस बल को हम कैसे लिखते हैं, F बराबर, अभी हमने गुलाम बल पढ़ा था, F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां पर K का मान हम क्या रखेंगे, अभी हमने पढ़ा था पीछे कि जब भी क्या होगा कोई माध्यम आएगा तो हम क्या लिखेंगे यहां पर 4π, और यहां पर क्या लिखेंगे एप्सिलॉन m, ये लिखेंगे ना यहां पर, फिर क्या लिख देंगे यहां पर Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा आपका R स्क्वायर। ये हो गया दो आवेश यदि माध्यम में रखे हुए तब उनके मध्य लगने वाला बल। अब यहां पर देखो यदि माध्यम है वो क्या हो आपका निर्वात हो, या बोल सकते हो जो दो आवेश हो किसमें रखे हो, निर्वात में रखे हुए हो, तो उनके मध्य जो बल लगेगा इसको मान लेते हैं माध्यम रखे हुए, तो यहां पर एफ एम मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एफ बराबर क्या हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन एम। तो यहां पर माध्यम के लिए लिखा था, तो निर्वात के लिए हम क्या लिख देंगे यहां पर एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। अब यहां पर देखो हम इस एप्सिलॉन एम की जगह इस फॉर्मूले से हम क्या रख सकते हैं, यहां से देखो एप्सिलॉन एम बराबर क्या आ जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, इसको दे देते हैं समीकरण एक, इसको समीकरण दे देते हैं दो। तो समीकरण एक भाग दो से, तो समीकरण एक में जब आप भाग दोगे दो का तो क्या होगा, देखो तो यहां पर देखो एफ एम अपॉन एफ बराबर यहां पर मान रखते हैं देखो 1/4π और एप्सिलॉन एम की जगह हम यहां से क्या रख सकते हैं यहां पर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और अब क्या कर देते हैं ये वाला रख देते पार्ट, तो यहां पर क्या लिखेंगे 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दूरी तो उतनी रहेगी ना, माध्यम चेंज कर दिया तो क्या हुआ, दूरी थोड़ी चेंज की, दूरी हमने चेंज नहीं की है, आवेश वही रहेंगे, दूरी वही रहेगी, बस यहां पर k का मान है वो क्या हो जाएगा माध्यम के अनुसार परिवर्तित हो जाएगा। अब यहां पर हमने क्या कर दिया, देखो यहां पर दिख रहा है आपको ये पूरा कैंसिल हो गया, यहां पर 1/4π से 1/4π कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। तो यहां पर होगा क्या, देखो क्या बचा आपका ये एप्सिलॉन आर यहां पर नीचे आ जाएगा, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि एफ एम अपॉन एफ है वो किसके बराबर हो जाएगा 1/εr के बराबर हो जाएगा, या बोल सकते हैं यहां पर चलो इसी को हम लिख लेते हैं इस प्रकार से एफ एम बराबर हो जाएगा एफ अपॉन एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर। अब क्या पता चलता है इस फॉर्मूले से, हमारे को क्या पता चला इस फॉर्मूले से, देखो ये क्या है आपका एफ एम, क्या है आपका माध्यम में लगने वाला बल दो आवेशों के मध्य, एफ क्या है आपका निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है यहां पर। तो ये एफ एम है, एफ एम है वो किसके बराबर है एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। तो बताओ यहां पर बल जो दोनों आवेशित वस्तु हैं उन दोनों आवेशित वस्तुओं के मध्य जो बल लग रहा है आकर्षण या प्रतिकर्षण वो निर्वात में ज्यादा लग रहा है या फिर माध्यम में ज्यादा लग रहा है, इस फॉर्मूले से हम बता सकते हैं यहां पर कि दोनों वस्तुओं के मध्य जो भी आवेशित वस्तु हैं उनके मध्य जो बल लग रहा है वो निर्वात में ज्यादा लग रहा है या फिर माध्यम में ज्यादा लग रहा है। तो यहां पर देखो एफ एम है वो किसके बराबर आ रहा है एफ अपॉन एप्सिलॉन आर, आ रहा कि नहीं आ रहा है, ये इसको हम थोड़ा सा और तरीके से लिखते हैं। देखो यहां पर क्या होगा एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका एफ एम इंटू एप्सिलॉन आर,
होगा ना यहाँ पर। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि जो F का मान है, जो निर्वात में बल है वो क्या होगा, माध्यम में जो बल है उसका कितना गुना होगा, एप्सिलॉन आर गुना होगा, एप्सिलॉन आर गुना होगा। मतलब ये क्या है आपका निर्वात में बल है, ये क्या है माध्यम में बल है। अगर दोनों बराबर होते तो एप्सिलॉन आर आता ही नहीं यहां पर, नहीं आता ना। तब हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि दोनों आवेशों को चाहे माध्यम में रखो चाहे निर्वात में रखो, तब दोनों पर क्या लग रहा है, बल समान लग रहा है। लेकिन हमने फॉर्मूले से देखा कि यहाँ पर क्या आ रहा है आपका एप्सिलॉन आ रहा है, आर आ रहा है। तो मतलब जो निर्वात में बल लग रहा है वो माध्यम के बल से कितना गुना अधिक लग रहा है, एप्सिलॉन आर गुना है, वो क्या लग रहा है, अधिक लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि निर्वात में जो दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो क्या लगता है आपका, ज्यादा लगता है। और जो माध्यम में जो दोनों आवेशित वस्तुओं के मध्य बल लगता है वो क्या लगता है आपका, कम है, लगता है यहाँ पर। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया कि K का मान है वो माध्यम की प्रकृति पर कैसे निर्भर करता है। माध्यम बदलेगा तो किसका मान बदलेगा, K का मान है वो बदलेगा यहाँ पर, ठीक है। और हमने ये भी देख लिया कि दो आवेशित वस्तुएं हैं, उन दो आवेशित वस्तुओं के मध्य जो बल लगता है वो निर्वात में ज्यादा लगता है या फिर किसमें लगता है, माध्यम में ज्यादा लगता है, ठीक है। तो वो सारी किसमें बात निर्भर करती है, एप्सिलॉन आर पर। तो अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर का मान क्या हो जाएगा, अगर एक हो गया तो मतलब माध्यम निर्वात हो गया, तो एप्सिलॉन आर भाई निर्वात के लिए होता है, तो यहाँ पर बल है वो एफ है, वो एफ एम के बराबर रह जाएगा, जो कि हमारा सिद्ध है यहाँ पर। और अगर यहाँ पर मान लो कुछ और हो गया, जैसे देखो अभी ये क्या है आपका सापेक्षिक या अपेक्षिक विद्युतशीलता। तो सापेक्षिक या अपेक्षिक विद्युतशीलता निर्वात के लिए है, तो हमने देख ली कितनी होती है आपकी, एक होती है। हवा के लिए अभी देखी थी कितनी होती है, 1.00059। और जो धातुएं होती है, ध्यान से, जो मेटल्स होती है, धातुएं होती है, उनके लिए जो सापेक्षिक या अपेक्षिक जो विद्युतशीलता होती है उसका जो मान होता है वो होता है अनंत। उसका मान क्या होता है, अनंत। मतलब धातुओं के लिए एप्सिलॉन आर है वो कितना होता है, अनंत होता है। क्यों होता है अनंत, उसका कारण देखो, हमें पता है धातुएं वो सबसे अच्छी क्या होती है, सुचालक होती है। और धातु के अंदर क्या रहते हैं, आवेश भी रहते हैं, रहते नहीं रहते हैं। तो अगर आवेशों के मध्य बल ही लगता रहेगा तो फिर तो कुछ और ही घटना हो सकती है ना, वहां पर दो आवेश आएंगे नहीं तो वहां पर मतलब विद्युत भी नहीं मिलेगी। तो देखो यहाँ पर एप्सिलॉन आर अनंत क्यों होता है, देखो मतलब धातुओं के मध्य कहने का मतलब दो आवेशों के मध्य बल नहीं लगना चाहिए, ये तो कारण है हमारा। तो अगर एप्सिलॉन आर का मान अनंत हो गया तो अगर हम यहाँ पर कूलम बल लगाएं, एफ बराबर क्या होता है, 1/4 पाई। यहाँ पर आप अगर निर्वात है या कोई माध्यम ले लेते हैं, क्योंकि अभी हम धातु ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन एम। और एप्सिलॉन एम को यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पर पहले तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, अब यहां पर मैं लिखता हूं इसको 1/4 पाई। एप्सिलॉन एम को मैं क्या लिख सकता हूं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। और Q1 Q2 upon R2। अब अगर धातु के लिए एप्सिलॉन आर का अनंत मान हो गया, तो यहां पर देखो जैसे ही आप अनंत है, और अनंत को आप क्या बोल सकते हो, 1/0 बोल सकते हो। तो यहां पर जैसे ही आप 1/0 बोलोगे तो 0 ऊपर जाएगा, तो F का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यही तो हमें चाहिए था कि धातुओं के मध्य जो आवेश है उनके मध्य वो क्या नहीं लगना चाहिए, बल है वो मतलब लगभग नगण्य लगना चाहिए। इसलिए धातुओं की जो आपकी सापेक्षिक या अपेक्षिक या व्यवधान होता है वो कितना होता है, अनंत होता है। निर्वात का जो परिवर्तन होता है वो कितना होता है, एक होता है। और हवा का परिवर्तन होता है वो मैंने बता दिया। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो सापेक्षिक विद्युतशीलता या एप्सिलॉन आर या फिर परिवर्तन का मान है वो हमेशा क्या रहेगा, एक से लेके अनंत के मध्य ही रहेगा। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि एप्सिलॉन आर का मान है वो कहां से कहां तक रहेगा, एक से अनंत तक रहेगा। धातुओं के लिए जैसे पूछ लिया चांदी के लिए परिवर्तन का मान बताओ, तो आपको बताया कि चांदी क्या है, धातु है, इसलिए उसके लिए जो परिवर्तन उसका मान कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो आज हमने वो इसके बारे में पढ़ दिया कि K का मान है वो मात्रक पत्ती पर हमने देखा था, जो हमारी SI पत्ती है उसमें K का मान आया था 9×10^9 आया था, लेकिन CGS पत्ती में क्या आ गया था, 1 आ गया था। फिर हमने देखा कि माध्यम की प्रकृति बदलने से K का मान किस प्रकार से बदलता है, तो हमने देखा था यहाँ पर अभी जो देखा था कि K बराबर माध्यम होगा तो 1/4 पाई εm होगा, और अगर क्या होगा आपका कोई भी निर्वात होगा तो 1/4 पाई क्या होगा, εm नॉट है वो होगा।
फिर हमने देखा था कि क्या कोई दो आवेशित वस्तुएं हैं, उनमें जो बल है वो बल है वो निर्वात में और हवा में समान लगेगा या फिर निर्वात या जो अन्य माध्यम है उनमें अलग अलग लगेगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया था कि निर्वात में है वो दो आवेशों के मध्य है वो सबसे अधिक बल लगता है, माध्यम में वो बल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है यहाँ पर। ओके, तो ये हमने यहाँ पर देख लिया यहाँ पर, और ये आपको फॉर्मूले याद रखना है, ये आपका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये तो हमने देख ही लिया था यहाँ पर पीछे देख लिया था। तो ये हो गया आपका कूलम का नियम। तो अभी हम फटाफट से क्या कर लेते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा था वो हम रिवीजन कर लेते हैं। शुरुआत में मैंने बताया था कि कूलम के नियम का सदिश निरूपण, अभी ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, कूलम के नियम का जो सदिश निरूपण है उसको। तो अभी हमने हमारे जो इस वीडियो में उसमें हमने दो टॉपिक कवर किए हैं। पहला जो टॉपिक है वो तो है आपका विद्युत दर्शी, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी, जिसकी सहायता से हम तीन कार्य कर सकते हैं। कौन कौन से कार्य कर सकते हैं स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी की सहायता से? पहला जो कार्य है वो होगा आपका, हम कोई भी वस्तु है उस पर चेक कर सकते हैं कि आवेश है या नहीं है। दूसरा जो उसका कार्य होगा वो क्या कार्य होगा कि हम दो आवेशित वस्तुओं की क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं कि किसमें आवेश ज्यादा होगा किसमें आवेश कम होगा। तीसरा जो उसका उपयोग था, हम कोई भी दो वस्तुएं हैं उनकी हमें उन पर जो आवेश है उनकी प्रकृति बता सकते हैं कि उन दोनों वस्तुओं पर आवेश है वो सजातीय है या फिर विजातीय है। फिर हमने पढ़ा था कूलम का नियम। तो कूलम नियम क्या कहता है कि दो आवेश है, दोनों आवेशों के मध्य जो भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है वो क्या होता है, उन दोनों आवेशों के परिमाण के तो क्या होता है, गुणनफल के समानुपाती, और उनके मध्य के दूरी के वर्ग के क्या होता है, द्रव्यमानुपाती होता है। कूलम बल, कूलम बल है वो एफ है वो समानुपाती होगा क्यू वन इंटू क्यू टू, और एफ है वो विद्युतमानुपाती होगा वन अपॉन आर स्क्वायर हो गया, वो हो गया हमारा कूलम नियम। फिर वहां पर हमने देखा था कि माध्यम परिवर्तित करने पर है वो क्या होता है, जो उनके मध्य दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो क्या हो जाता है, चेंज होता रहता है। तो वहां पर कूलम ने एक नियतांक दे दिया जिसको हम कहते हैं के, ठीक है, और के क्या होता है आपका एक नियतांक होता है जिसका मान है वो माध्यम की प्रकृति और किस पर निर्भर करता है, मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। और के का मान हमने देखा था, के का मान किस प्रकार से निर्भर करता है, के का मान है वो मात्रक पद्धति पर किस प्रकार से निर्भर करता है, और माध्यम पर है वो किस प्रकार से के का मान निर्भर करता है। माध्यम परिवर्तित करने से के का मान बढ़ जाता है घट जाता है उसके बारे में हमने देख लिया था, और दो वस्तुएं उनके मध्य जो बल लगता है वो निर्वात में अधिक लगेगा या फिर किस में अधिक लगेगा, माध्यम में अधिक लगेगा, उसके बारे में हमने देख लिया था। एक और टॉपिक क्या था, सापेक्षिक या अपेक्षिक या फिर पैराविद्युतांक देख लिया था। कोई भी माध्यम है उसकी जो विद्युत क्षमता है वो निर्वात के सापेक्ष ज्ञात करना ही क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, अपेक्षिक विद्युतशीलता या पैराविद्युतांक कहलाता है। एक आधार मानना पड़ता है कोई भी किसी चीज को ज्ञात करने के लिए, तो वो हमारा आधार कौन सा हो गया, निर्वात हो गया। तो निर्वात के सापेक्ष ही हम कोई भी माध्यम उसका क्या ज्ञात करते हैं, पैराविद्युतांक ज्ञात करते हैं। पैराविद्युतांक यानी अपेक्षिक या सापेक्षिक विद्युतशीलता एक ही है। और विद्युतशीलता के बारे में भी हमने देख लिया था कि विद्युतशीलता क्या होती है, विद्युतशीलता कोई भी माध्यम है उसके विद्युत के प्रति व्यवहार को प्रदर्शित करती है, ठीक है, कि वो अपने दो आवेशों के मध्य कितना बल लगाने की परमिशन देगी वहां पर। जैसे मैंने उदाहरण भी आपको दिया था कि आप हाथ हवा में हिलाओगे फिर आप पानी में हिलाओगे तो आपको अलग अलग बलों का अनुभव होगा, तो वो माध्यम के मतलब जो व्यवहार है उस पर निर्भर करता है। हवा है तो वहां पर अलग व्यवहार रहेगा, पानी है तो उसका अलग व्यवहार रहेगा। हवा है तो वहां पर प्रतिरोध कम लगेगा और पानी होगा तो वहां पर प्रतिरोध ज्यादा लगेगा, तो ये प्रतिरोध जो हो गया वहां पर वो हो गया उसका एक व्यवहार। तो उसी प्रकार से माध्यमों की बात करें तो विद्युत के प्रति जो माध्यम होते हैं उनको बोलते हैं हमें विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट है उसका जो मान होता है वो कितना होता है, 8 एप्सिलॉन जो नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता उसका मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर कितनी होगी, 12। और इसका मात्रक भी होता है, मात्रक क्या होता है, मात्रक इसका हो जाएगा, देखो यहां से हम निकाल सकते हैं, यहां पर अगर एप्सिलॉन नॉट होगा तो क्या हो जाएगा मात्रक, यहां से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है, तो देखो ये एफ है जो एप्सिलॉन नॉट को उधर भेज दो यहां पर, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आ जाएगा, क्यू वन क्यू टू अपॉन कितना हो जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर इंटू 4π। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा, क्यू वन क्यू टू ये क्या आपका आवेश है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कूलम स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा बल का मात्रक न्यूटन इंटू आर, आर क्या दूरी है तो मीटर स्क्वायर, और 4π क्या एक अचर राशि है तो इसको कोई मात्रक नहीं होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो गया, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना आ जाएगा, मान कितना होता है 8.85
इंटू 10^-12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और के का मान भी हमने देख लिया था, के का मान आपका कितना होता है, के बराबर होता है आपका 9 × 10^9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये हमने के का मान भी देख लिया, ठीक है। अब आपको और भी कोई अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर वहां पर लिख दीजिएगा, आपका डाउट जो भी होगा वो सॉल्व कर दिया जाएगा। और बाकी के जो अगले टॉपिक है वो फिर हम अगली जो कक्षा है उसमें पढ़ेंगे।